देखा उसको उसको तो रिको नाम का फॉर्मूला जिसमें मैंने बताया था कि बिटवीन टू सीड को किस तरह से ट्रांसलेशन किया जा सकता है। आज चलिए इसी से आगे कुछ और नई चीजों पे बात करते हैं। हम लोग वी लुकअप यूज करते हैं। वी लुकअप में आपने देखा था कि किस तरीके से हम लोग वी लुकअप के अंदर में अपने डेटा को लुकअप किए थे, उसके अलग अलग कंडीशंस थे, अलग अलग चीजें थी। फिर मैंने एरे में भी बताया था आपको कुछ कि एरे में कैसे इस्तेमाल करते हैं इसको। अब चलिए इसमें कुछ और चीजें वी लुकअप के साथ हम कर लेते हैं। मेरे पास एक छोटा सा डेटा मैंने बना लिया। सर कुछ डेटा दिख नहीं रहा है। डेटा दिख नहीं रहा? नहीं अभी तो आ रहा है भाई। नहीं सर आपके आंसर प्रॉब्लम दिखनी चाहिए। कमल जी बेटा आपको भी दिक्कत हो रही क्या? नहीं सर दिख रहा है। मीट नाम करके लिखा हुआ है दिख रहा है सर। सर आपका इंटरनेट फिर बम बोल गया। नहीं सर अभी तो चल रहा है पूरा बढ़िया। देखिए मेरे आंसर प्रॉब्लम होगा ना सबको होगा, स्पेशली आपको नहीं होगा। विकास जी को, कमल जी को, केश आलम जी को ठीक दिख रहा है। वॉइस वाली प्रॉब्लम मेरे को ही होती है पता नहीं क्यों। सिस्टम चेंज करके देख लीजिए एक बार किसी दोस्त वगैरह के सिस्टम पे आप लॉगिन करके देखिए। तो मेरे पास एक डेटा है जो कि आप देख रहे हैं। मेरे पास एक डेटा है जो आपके सामने आपको दिख रहा है। तो अगर हम वी लुकअप लगाते हैं जो कि हम जनरली करते हैं, तो अब मैंने यहां पे मान लीजिए कि नेम में पूजा को हमने किया, तो वी लुकअप की यहां पे मुझे सेल्स चाहिए। तो सेल्स लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और टेबल एरे में हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं कॉमा टू एंड कॉमा जीरो। तो वी लुकअप क्या करता है, वी लुकअप करता है कि जो पहली वैल्यू है उसको दिखा, उसको शो करता है। ठीक है। अब मुझे इसमें क्या करना है, कि अब मान लीजिए मुझे सबसे लास्ट में चाहिए, तो उसके लिए भी मैंने आपको एरे बताया था कि लार्ज के साथ कर सकते हैं। लेकिन मुझे यहां चाहिए कि क्योंकि पूजा इसमें कई बार रिपीटेड है, तो मुझे यहां पे सारा चाहिए कि 69 कॉमा दूसरा कौन है 41 कॉमा तीसरा हमारा है 16, इस तरीके से चाहिए। अब इस तरह के लिए एक्सेल में कोई भी फीचर नहीं है जिसका आप इस्तेमाल कर सको। ठीक है कोई फीचर है कमल जी? हाँ कमल जी बोलिए तो है। हाँ जी हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोला कि कोई फीचर है इसमें, ऐसा कोई एक्सेल फीचर है जो कि इस तरह जल्द दे सके? ना ना कोई नहीं है। तो इसके लिए चलिए हम विजुअल बेसिक में चलते हैं और एक मॉड्यूल इंसर्ट करके इसके लिए नया फॉर्मूला बनाते हैं। एक्चुअली मैं ऑफिस में हूँ अभी। कोई बात नहीं। फंक्शन और मैंने यहां पर ए लुकअप बनाया, ऑल लुकअप। बी लुकअप की जगह पे मैंने ए लुकअप का फॉर्मूला बना दिया। तो इसमें क्या क्या होगा, सबसे पहले तो लुकअप वैल्यू वो कुछ भी हो सकता है, नंबर टेक्स्ट डेट टाइम, इसलिए हम इसको वेरिएंट ले लिए। वेरिएंट ले लेते हैं। एक रेंज होगा आर एच रेंज जो यहां पे कंडीशन मैच करेंगे
और सी मतलब किस कॉलम का डेटा चाहिए, जरी लुकअप में होता है एज ए हमने इंटीजर दे दिया, तो ये डिक्लेरेशन ऑफ द फॉर्मूला हो गया, हमारा फॉर्मूला डिक्लेयर हो गया। अब देखिए बाहर हमारा फॉर्मूला लिस्ट में फॉर्मूला शो करेगा इक्वल ए लुकअप, ए लुकअप में लुकअप वैल्यू, और हमने सेलेक्ट कर लिया अपना डेटा और हमने वन कर लिया। तो यहां पे जो जी फोर हमने एंटर किया है, ये जी फोर क्या करेगा, जो पूजा की वैल्यू है ये यहां वी पे स्टोर कर देगा, और जो रेंज हमने लिया है इस रेंज को ये आर पे सेट करेगा, और जो हमने यहां पे वन लिखा है कॉलम वो सी पे सेट करेगा। ठीक है सर, आप कुछ कर रहे हो बहुत बाद में दिख रहे हैं। प्रेमकांत पांडे जी आपका इंटरनेट स्लो दिखा है, मैं यहां से मुझे दिख रहा है मुझे कि आपके इंटरनेट स्लो है, यहां तो मेरा सही दिख रहा है। तो यहां पे हम जो है ये हो गया, अब इसमें मुझे अपनी प्रोग्रामिंग करनी है ताकि डेटा को लुकअप करें। ठीक है, तो यहां पे लूप लगाते हैं हमने, हालांकि रेंज की बात ही है तो मुझे फोर इंच का लूप लगाना पड़ेगा, जैसा कि आप जानते हैं जब हम फोर इच लूप लगाते हैं तो इसके लिए मुझे एक रेंज टाइप का वेरिएबल चाहिए होता है, यहां पे के एज ए के एज ए हमने यहां पे रेंज ले लिया, और फिर याद देते हैं कि फोर इच K in R, और यहां पे हमने कंडीशन दिया कि इफ K डॉट वैल्यू इज इक्वल टू V दैट, यहां पे एक मैसेज रिकॉर्ड करने के लिए हमने यहां पे dim m एज ए स्ट्रिंग ले लिया, क्योंकि कॉमा कॉमा के साथ जाएगा तो स्ट्रिंग है इसलिए, तो m इक्वल टू हमने बोला m के साथ हमने कॉनकेटेनेट किया कॉमा इसकी वैल्यू k डॉट ऑफसेट, क्योंकि मुझे अगली सेल की कॉलम की वैल्यू चाहिए जीरो कॉमा ए सी जो भी कॉलम नंबर होंगे वो डाल दी हमने यहां पे, और फिर यहां पे एंड और फिर यहां पे नेक्स्ट के, तो जितने भी डेटा उसको मैच करेगा मिलेगा वो सबको एम पे कॉमा के साथ कॉनकटा नेट कर देगा, और बाहर प्रिंट करने के लिए हम यहां पे लिखेंगे ए लुकअप इक्वल टू एम। अब चलिए एक बार इसको अप्लाई करके देखते हैं बाहर, तो बाहर हमारे पास ये फॉर्मूला है ए लुकअप का, जैसे एंटर मारेंगे देखिए यहां पे रिजल्ट आपके सामने है। तो वी लुकअप क्या किया, वी लुकअप क्या करता है, एक सिंगल वैल्यू देता है, और हमने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया जो कि अगर हमारे सिलेक्टेड कॉलम में रिपीटेड हमारे पास कोई वैल्यू है, अगर रिपीटेड है तो जितना बार रिपीट हो रहा है उसकी वैल्यू को वो कॉमा के साथ कॉनकेटेनेट करके देगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, ये आगे कॉमा क्यों लगाया, आप देख रहे हैं यहां पे कि कॉमा से स्टार्ट कर रहा है कॉमा 69, 41, 16, 76। तो मनीष जी मुझे आप यहां पे समझाएं कि कोड में क्या गलती हुई, किस कारण से ये बाहर पहले कॉमा से स्टार्ट कर रहा है, सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को ढूंढना होगा
जब तक हम प्रॉब्लम नहीं ढूंढेंगे तब तक सॉल्यूशन क्या होगा कैसे पता चलेगा? तो क्या प्रॉब्लम है? मनीष जी, लग रहा है मनीष जी की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है, तो विकास जी आप बताएं। सर ये जो हमारा सिंबल जो कॉन्करा नेट के साथ में जोड़ा है, अगर इसको पहले कर दें और एम को बाद में कर दें तो लास्ट में कॉमा आएगा और उल्टा हो जाएगा डेटा आपका। मतलब यहाँ पे 76, 16, 41, 69 फिर कॉमा भी तो रहेगा, उल्टा हो जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ देखिए कि फर्स्ट टाइम जो एम है वो तो ब्लैंक ही है ना, तो ब्लैंक के साथ कॉमा कॉन्करेनेट हो रहा है क्या? ब्लैंक के साथ हुआ था ऐसा प्रॉब्लम होगा? तीसरा रिलेशन क्या है कि मैं यहां पे राइट का फॉर्मूला लगा देता हूं कि राइट। हेलो हाँ बोलिए सर, आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है सर। अब सर एक्चुअल में क्या है, मेरी भी वही क्वेरी जो आप पूछ रहे थे मेरे से सर, स्टार्टिंग ये कॉमा से क्यों हो रहा है बता दो मिलने। यहाँ पे एम फर्स्ट टाइम तो एम ब्लैंक है ना, जब पहली बार लूप चलेगा एम के साथ कॉन्करेनेट होगा तो के डॉट ऑफसेट पे तो कोई वैल्यू है जैसे कि 76 या फिर 16 या 69, लेकिन एम पे तो कोई वैल्यू नहीं है। एम पे तो वैल्यू कब आएगी, तो सेकेंड टर्म रन करेगा, यस हाँ, इसलिए ब्लैंक हुआ। तो उसका रिजोल्यूशन क्या किया हमने कि हमने राइट से वैल्यू को एक कम ले लिया, मतलब हमने बोला कि राइट से वैल्यू को स्ट्रेक करो कितना कैरेक्टर, इसकी पूरी लेंथ से एक कम। ओके तो आप देखिए यहां पे हमारा आ गया। तो हमने एक नया फॉर्मूला बनाया ए लुकअप, मतलब कि लुकअप ऑल किसके लिए, कि अगर हमारे पास रिपीटेड वैल्यू है हमारे टेबल में तो उस सारे वैल्यू को कॉमा के साथ सेपरेट करके देगा, चाहे नेम है या कॉमा जो भी है, नेम टेक्स्ट जो भी होगा, जो कि वी लुक अगर सर ये बैक साइड में होता तो फिर इसको लेफ्ट से उठा लेते। हाँ कविता जी, कंसेप्ट समझ में आया? कविता जी एज ए डेमो ज्वाइन किए हैं यूएसए से, और एक आलम जी हैं केश आलम जी, वो भी एज ए डेमो ज्वाइन किए हैं। Yeah, I'm getting it. Are you able to hear me? हाँ अब सुन पा रहा हूँ। Basically by default mute होता है, तो जब भी कुछ पूछना हो तो yeah, I got it. Yeah, I got it. तो एक एग्जाम्पल है मैंने बताया लुकअप का, अब दूसरा एक चलिए एक और हम आपको बताते हैं तरीका, लेकिन उसके लिए मुझे दूसरा फाइल लेना पड़ेगा। याद होगा विकास जी जब मैंने आपको वी लुकअप पढ़ाया था तो एक हमने आपको मल्टीपल लुकअप के बारे में बात की थी, मल्टी शीट वी लुकअप के बारे में, याद है? यस सर, थोड़ा थोड़ा। मल्टी शीट वी लुकअप क्या हुआ कि मेरे पास जो डेटा है, मान लीजिए 1 से लेकर 10 तक का डेटा हमारा सीट 1 पे है, एम्प्लॉय 1 से लेकर 10 एम्प्लॉय का डेटा हमारा सीट 1 पे मान लीजिए यहां पर है। मैं यहाँ एक छोटा सा डेटा बनाता हूँ, छोटा डेटा इसलिए बनाता हूँ ताकि आप लोगों को इफेक्ट जल्दी समझ में आए, लार्ज और जो ऑफिशियल डेटा है वो इस्तेमाल करूंगा तो आपको इफेक्ट देखने में, इफेक्ट हुआ क्या आपको टाइम लगेगा, इसलिए हमेशा मैं स्मॉल डेटा ही बनाता हूँ। और दूसरा सीट जो है हमारे पास मान लो तीसरा डेटा, तो तीसरे सीट में हमारा 11 से लेकर 20 तक है, 11 to 20।
और तीसरे सीट पे हमारा क्या है 21 से 30 तक। ठीक है, मैं एक बार तीनों को सेलेक्ट करता हूं। अब एक साथ तीनों को मैंने शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लिया एंड कॉपी करके इसी के ऊपर वैल्यू पेस्ट करेंगे तो तीनों सीट में हमारा वैल्यू पेस्ट एक साथ हो जाएगा। हो गया। अब मान लीजिए मुझे चौथे सीट में इसका लुकअप करना है कि एम्प्लॉय कोड एंड यहां पर नेम एंड यहां पे मान लीजिए सेल्स। अब सॉरी गलती स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। मान लीजिए कि मेरे पास एम्प्लॉय कोड है 1 है 12 है एंड 25। अब प्रॉब्लम इज दैट कि ये तीनों अलग अलग सीट के हैं लेकिन वी लुकअप कहता है कि एक बार में किसी एक सीट का डेटा ही लुकअप करेगा, एक से ज्यादा सीट का डेटा लुकअप नहीं करेगा। तो और हमारे पास पहला चारा क्या है कि मुझे तीनों डेटा को एक सीट पे कॉपी पेस्ट एक के नीचे वन बाय वन मुझे डेटा को कुलेट करना पड़ेगा जो कि मैं नहीं करना चाहता क्योंकि डेटा तीन अलग अलग जगह से लिंक है। अगर मैं कुलेट करूंगा तो मुझे एवरी डे कुलेट करना पड़ेगा। तो हमने एक्सेल के साथ हमने इफ एरर के साथ हमने दो वी लुकअप का फॉर्मूला हमने यहां पर डाल दिया था कि वी लुकअप लुकअप वैल्यू और हमने पहली शीट से लुकअप को ले लिया एंड कॉमा हमने दूसरी कॉमा टू एंड यहां पे कॉमा जी। फिर हमने एक और वी लुकअप यहां लगाया ए टू कॉमा ए दूसरी सीट से लुकअप करेगा। तो वी इस एरर के माध्यम से हमने दो सीटों का डेटा लुकअप करने का दिखा था सिखाया था आपको। ये मैंने चीज डिस्कस की थी आपको एक्सेल फॉर्मूले में। अब दो सीटों के साथ अगर मैं यहां पे 12 करूं तो 12 भी हो जाएगा और 25 नहीं आएगा क्योंकि 25 तीसरे सीट में है ना। फिर तीसरे सीट के लिए मुझे एक और इफ एरर और एक और वी लुकअप लगाना पड़ेगा। तो काम तो हो गया मेरा बट दिस इज नॉट अ डायनेमिक। कल के डेट में मेरा सीट्स बढ़ते हैं कि एक नई शीट ऐड हुई तो फिर से मुझे इफ एरर और फिर से वी लुकअप लगाना पड़ेगा। कोई सीट डिलीट होती है तो यहां पे डेटा जो है अरिथमेटिक रेफरेंस नॉट करके आ जाएगा, मतलब कि डेटा हमारा फॉर्मूला हमारा एरर दे। समझे सर? तो मेरे पास अब चॉइस क्या है? मेरे पास चॉइस ये है कि हम इसको वीवी के थ्रू बनाए। तो VB के थ्रू ऐसा बनाना है कि जितने भी इस फाइल के अंदर शीट्स हैं एक से लेके 10 तक जितने भी शीट्स हैं उस शीट्स पे एक एक करके हमारे इस डेटा को मैच करेगा, एक एक करके इसको मैच करेगा एवरी शीट में। लेकिन इसका ध्यान रखिएगा कि हर शीट में इसका रेफरेंस जो है रेफरेंस कॉलम जो है फिक्स होना चाहिए। लेकिन डेटा ऊपर नीचे हो सकता है, किसी में कम किसी में ज्यादा। तो इसके लिए चलिए हम यहां पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, अपना खुद का फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। ये फंक्शन हमने यहां पे MS मल्टी शीट वी लुकअप के नाम से हमने बना दिया। नाम अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं। यहां वी एज ए वेरिएबल जो कि वैल्यू लुकअप है हमारा, ठीक है, एंड सी एज ए हमने इंटीजर देते। मैं यही देता हूं क्योंकि इसमें रेंज नहीं देते क्योंकि रेंज सबका फिक्स है तो रेंज हम यहां नहीं देते। रेंज अपने हिसाब से हम इसमें अंदर इसके अंदर ही फिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैं यहां पे लगाता हूं कि 4i = चले 1 to sheets dot count minus 1। क्यों? कि हर शीट पे चलना है तो जो एक लास्ट वाली शीट है हमारी उस पे डेटा आना है, इसलिए ये जितनी भी शीट है उससे एक कम पे लूप चले
उसके बाद यहां पे लिखते हैं एक वेरिएबल देते हैं कि dim r as a, हम यहां भी वेरिएंट देते हैं, तो कुछ भी हो सकता है नंबर टेक्स्ट कुछ भी, इसलिए वेरिएंट दे दिए। और यहां पे लिखते हैं r इक्वल टू वी लुकअप, सॉरी वी लुकअप डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता है, अब यहां पे वी लुकअप डायरेक्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन वी लुकअप लगाना है मुझे, तो मैं यहां पे एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन के माध्यम से इसको कॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे वेरिएंट क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, और यहां पे सीट्स आई, तो हर बार अलग अलग सीट होगा, रेंज हमने यहां पे ए से लेके सी तक कर दिया पूरा रेंज, और कॉलर नंबर सी एंड कॉमा 04 एग्जैक्ट में, जैसे नॉर्मल एक्सेल में लगाते हैं उस तरह से। और फिर यहां पे नेक्स्ट, लेकिन इसमें क्या हुआ, जब इसको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो ये एरर देगा और फिर इस पे एरर स्टोर करेगा, और आर जो है एरर एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो क्या होगा आपको यहां पे डिबग का एरर आएगा। तो इससे बचने के लिए हम यहां पे क्या करेंगे कि ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट का टाल देते हैं, कि ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, और फिर इसके बाद एम एस वी लुकअप, जो फॉर्मूला नाम है उस पे हम आर को असाइन करते हैं, जो कि हमारा रिजल्ट है। अब देखिए यहां पे कि इक्वल एमएस वी लुकअप, लेकिन मुझे लग रहा है कि गलत होगा यार, एम एस आया क्यों नहीं, सेव करो ना एक बार। ओ माफ कीजिएगा, बेसिकली हमने जो फंक्शन बना दिया है वो रिकॉन नाम के सीट में बना दिया है, जब तक फाइल सेव नहीं होगी तब तक दूसरे पे वर्क नहीं करेगा, लेकिन हमारा बुक फोर है ना, इसमें करना पड़ेगा, ऐसी दिक्कत हुई है। अब आ देखिए यहाँ पे एम एस आ गया ना, एम एस लुकअप, इसको सिलेक्ट किया एंड हमने कॉमा दे दिया टू एंटर, पूछा आ गया, और इसको नीचे तक ड्रैग कीजिए, ठीक है। अगर सीट डिलीट होता है तो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, सीट इंसर्ट होता है तो भी अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, दैट कॉल्ड मल्टी सीट। अब बताइए आप लोगों को इस कोड में कोई डाउट है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, या कोई इंफॉर्मेशन? सर वो वन टू वाला तो आपने शीट को कॉल करके बनाया ना, जो अपना नंबर मल्टीपल कर सकता है काउंट से, नहीं इसमें तो नहीं है काउंट। हाँ ये हुआ, हमने ये लगाया हुआ क्योंकि हम लूप फोर लूप लगा रहे हैं, तो फोर लूप में क्या चाहिए होता है, स्टार्टिंग पोजीशन एंड एंडिंग पोजीशन, एंडिंग, हाँ जी, एंडिंग पोजीशन तो फिक्स नहीं है ना, क्योंकि अभी तीन सीट है, कल के डेट में 30 हो सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे इस फाइल की टोटल सीट्स की काउंट और माइनस वन इसलिए किया क्योंकि लास्ट वाली जो सीट है उस पे डेटा हमारा स्टोर हो रहा है, उसी पे वी लुकअप लगा है। और सर ऑन एरर रिज्यूम एक मिनट, एक मिनट, मनीष जी पूछे क्या पूछ रहे हैं आप, मनीष जी पूछिए, मैं पूछ रहा था, और प्रेमकांत पांडे जी हाँ पूछिए क्या पूछ रहे थे, ये फॉर्मूला क्या चीज के लिए बनाया है, कि मैं समझ नहीं पा रहा, ठीक है थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अब बोलिए विकास जी आप क्या पूछ रहे थे। हाँ सर ये ऑन एरर रिज्यूम जो है नेक्स्ट कर रहा है ये वाला बता दीजिए सर थोड़ा सा। मैंने आपको क्या बोला कि जब इसको वी लुकअप वैल्यू नहीं मिलेगा तो वी लुकअप क्या रिजल्ट देगा, मान लीजिए सीट वन में 25 को ढूंढ देगा तो एरर दिखाएगा, और आर क्या है, आर एक डेटा टाइप है तो आर कभी भी एरर एक्सेप्ट नहीं करेगा अपने ऊपर, तो ये क्या होगा डिबग एरर देगा, तो उस चीज को ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट क्या करेगा, स्किप कर देगा कि भाई एरर वी लुकअप दे रहा है तो उसको स्टोर ही नहीं करना है, उसके आगे बढ़ो, ठीक है सर, ठीक है। अब आते हैं प्रेमकांत जी के क्वेश्चन पे, प्रेमकांत जी ये जो हमने मैक्रो बनाया है ये मैक्रो क्या है,
कि जितने भी सीट्स है ना, अभी क्या है कि मल्टी सीट वी लुकअप आपको मैंने पढ़ाया होगा, याद होगा? हाँ, मल्टी सीट वी लुकअप का वीवीए वर्जन है कि इस वैल्यू को वन को तीनों में ढूंढेगा, जिसमें मिलेगा उसकी वैल्यू को शो करेगा। अच्छा, समझ गया? तो लेकिन ये सीट फोर में ही जा रहा है ना केवल, लेकिन ये अगर सीट बीच में हुआ तो कैसे कैसे करेगा? हाँ, एक गुड क्वेश्चन कि अगर सीट मान लो कि यहाँ पे मान हम इसका नाम सीट फोर से डेटा कर देते हैं, अगर कल के डेट में अगर यहाँ पे डेटा हो ये आ गया तो फिर यहां से लेके यहां तक करेगा, इसको स्किप कर देगा। तो जब मैंने आपको डेटा कोलेशन पढ़ाया था तो एक चीज आपको मैंने बताया था, आई थिंक आप उस पर ध्यान नहीं दिए। यहां पे कंडीशन होगा कि इफ, तब यहां पे क्या हो जाएगा कि माइनस वन जो है हट जाएगा, ठीक है? और यहां पे कंडीशन लगेगा कि इफ सीट्स आई डॉट नेम इज नॉट इक्वल टू डेटा, समझे? वो चेक करेगा कि सीट का नाम डेटा तो नहीं है, अगर डेटा नहीं है तो ये वी लुकअप के कंसेप्ट को अप्लाई करेगा, अगर डेटा है तो इसको इग्नोर करेगा। तो अब आपसे कहूंगा कि पोजीशन चाहे जो भी हो उससे मतलब नहीं, आपकी सीट जो जिस पे वी लुकअप लगा रहे हैं, मल्टी सीट वी लुकअप लगा रहे हैं, वो कहीं भी हो, बीच में, लास्ट में, स्टार्टिंग में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। सर कल आपने एक बताया था, कोई भी फॉर्मूला या फाइल को ये एडिन में सेव करके और उसको एडिन में ऐड कर देंगे तो हमेशा काम करेगा, लेकिन होता क्या है सर, सिस्टम शटडाउन कर देते हैं और अगले दिन फिर से एक्सेल खोलते हैं, देन उसको फिर से ऐड करना पड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक बार ऐड आपने ब्राउज में जाकर कर लिया तो दोबारा ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मैक्रो अनेबल है, अगर मैक्रो डिसेबल कर रखा है तो करना पड़ेगा। मैक्रो तो इनेबल किया हुआ है। हाँ, तो गलत बोल रहे हैं आप देखिए, कुछ और प्रॉब्लम होगा, एक बार चेक कीजिए आप अपने ऑफिस में। ठीक है। हेलो सर, कल तक के वीडियो अपडेट है क्या? और नहीं, कल की वीडियो नहीं डली है, अभी डल रही है, कुछ वीडियो लंबे हो गए थे इस कारण से पेटी में, लेकिन हाँ